अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हयान एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अच्छा, आज काम की मैं बात करूँगा और जॉब्स के हवाले से बड़ी मुख्तसर और बड़ी टू द पॉइंट में बात करूँगा। अच्छा, एक तो चीज़ ये माइंड में रखें कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा आ गए यहाँ पे और लाइक काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से ना जॉब्स की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है या कुछ मसले ये भी होते हैं कि आपको ना जो एजेंट आपका है वो गाइड थोड़ा सा ना उल्टा सीधा कर देता है, कहता है जी जाएँ और बस वहाँ पर तो आपके लिए ना किस्मत खुल जाएगी और कारून के पता नहीं कोई ख़जाने पड़े हुए हैं। होता क्या है कि आप आते हो किसी छोटे से शहर में और वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। देखें, किसी का वीज़ा लेट भी हो सकता है, उनमें मैं भी हूँ, तो उससे होता क्या है कि जो आपसे पहले आते हैं ना, काम तो सब ने करना है, जो भी स्टूडेंट में स्पेशली पाकिस्तानीज और इंडियंस की बात करूँ, पाकिस्तानी ख़ास तौर पर, तो वो चाहते हैं कि हम काम कर लें, हमें काम मिल जाए और जॉब या कुछ भी है हम उसको फ़ौरन से पहले शुरू कर दें। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब जिनको काम नहीं मिला वो क्या करेंगे, उस पर भी अब मैं आता हूँ। यार ये व्यू तो एंजॉय कर रहा हूँ, इट्स कैनरी वॉल्फ, लंदन का एरिया। मैं अभी एक हफ्ते से यहाँ पे ही रह रहा हूँ, फिलहाल दोस्त के पास आई एम लुकिंग फॉर माय प्लेस। और मुझे अब तक ना, अगर लाहौर में मेरा मॉडल टाउन में मेरा घर था ना, मतलब मेरा इधर दिल में उसका घर था, एंड फॉर लंदन आई थिंक मुझे सो फार ये वाला एरिया पसंद आया। तो विश में लग के यार मैं अपना रूम वगैरह ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये मिल जाए यहाँ कुछ ना कुछ। पाकिस्तान से दो किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं, पहले वो बाबा का बिज़नेस है, फैमिली अच्छी है, उन्होंने पढ़ना है यहाँ पे, पार्टी करनी है, वापस जाके अपना बिज़नेस संभालना है, विच इज़ गुड, और वो अपने आप को ग्रूम करने आते हैं ताकि वो अपने उन स्किल्स को वहाँ पर ले जाके प्रोफेशनली यूज़ करें और मज़ीद ग्रो करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, वो जो स्ट्रगल करके किसी ना किसी तरीके से अपना कुछ बेच बाज के, अपनी सेविंग्स लगा के, सब कुछ दाव पे लगा के ना आ जाते हैं, और उन्होंने फीस भी खुद से कमानी होती है, सपोर्ट भी करना होता है, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये सब कुछ करने के बाद कमाना भी है, घर को भी देना है, PSW भी लेना है और सेट भी होना है, उनमें से मैं भी हूँ। सब अब हमने क्या करना है, उसकी छोटी सी कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ये बताऊँ कि लेट्स से आपको जॉब नहीं मिली, आपने क्या करना है, ऐसे ये बैज है यहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा मशहूर, हर पाकिस्तानी इंडियन देसी यहाँ पे यही काम करते हैं और जॉब्स के अलावा, आपने जब आना है ना अपना BRB जब आपने कलेक्ट करना है, सो मेक श्योर कि आप ऐसे ये बैज के लिए लंदन वो किसी भी शहर में, हर जगह उनकी अकेडमीज हैं, 7 दिन का कोर्स है, आप 300 pounds फ़िलहाल है वो लोग ले रहे हैं, आपकी फ़ीस होती है, 7 दिन का कोर्स है, एग्ज़ाम देते हो आप, विच इज़ ईजी एंड यू कैन पास इट। तो उसके बाद होता क्या है, आपने पोस्ट ऑफिस में फ़ीस देनी है और विद इन वन मंथ, फोर वीक्स के बाद आपका जो है ना वो लाइसेंस आ जाता है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वाई ऐसा ये लाइसेंस, के उसका फ़ायदा क्या है। देखें, जो सिक्योरिटी की इंडस्ट्री है ना यहाँ पे, उसका बहुत काम है, बहुत स्कोप है यहाँ पे, आपको और जॉब्स में लेने में तो मुश्किल होगी, बट सिक्योरिटी आप किसी अगर एजेंसी के साथ रजिस्टर करते हो, आपका कोई ना कोई लिंक पहले से जो यहाँ पे होगा, नहीं भी है तो आप किसी न किसी को ढूंढ लेते हो इजीली, क्योंकि और जॉब ढूंढने में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है और ज़्यादातर बॉयज़ ये काम करते हैं, लड़कियाँ काफ़ी काम करती हैं, गोरे करते हैं, इंडियंस कुछ लड़की करते हैं, बट पाकिस्तानी लड़कियों को मैंने अभी इतना ये काम करते हुए देखा नहीं है। सो इससे फ़ायदा ये होना है आपको कि जो आपकी स्ट्रगल है ना और जॉब में, जो आपकी हार्डशिप है, इसमें कम है, कदरे बेहतर है उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पढ़ना भी है यार, आपने नींद भी पूरी करनी है, मैं तो इसलिए तो मुझे वर्कआउट भी करना है, खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है, यहाँ पे आपने सब कुछ खुद करना है, तो आपने एनर्जी को ना थोड़ा सा सेव करके रखना है। सो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप इस फील्ड में आओ, यू जस्ट हैव टू, आपने सुपरवाइज़ करना होता है चीज़ों को, किसी लोकेशन को, किसी भी जगह को, वो आपको क्लाइंट देते हैं, आपकी एजेंसी बताती है आपने यहाँ पे जाना है, एंड बाय डूइंग दैट यू सेव लॉट्स ऑफ योर एनर्जी, और आप पढ़ते भी हो, चीज़ें भी करते हो, सो दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। मैं अभी 12 घंटे की शिफ्ट करके आ रहा हूँ, 12 hours, एंड दैट्स माई लाइक 4th day, मेरा पहला वीक है। ट्रस्ट मी, मैं जिस कंडीशन में हूँ, आई मीन इट्स वेरी ईजी, मैं आगे भी 1 घंटे या 2 घंटे के रेस्ट के बाद एक और 12 घंटे की कर सकता हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ना यही काम करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी सी बातें बता दी हैं कि आपने सिक्योरिटी फील्ड में क्यों आना है।
सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट करें और नीचे मुझे बताएं, तो जो भी आपका कंसर्न होगा डेफिनेटली आई एम गोना रिप्लाई टू दैट। और मैं अगली वीडियोस में इसकी थोड़ी डिटेल्स मज़ीद बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह हैं आपने जहाँ पे इजीली जाके थोड़ा सा आप ट्रेनिंग अच्छी कर सकते हैं और कौन सी एजेंसीज़ हैं, क्योंकि मैंने भी खुद भी अभी काम स्टार्ट किया है। और इस काम में आपने क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या आपने जो है ना चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ये सारी बातें ना मैं अपने ब्लॉग्स में बताता रहूँगा। उसके अलावा भी ट्रांसपोर्टेशन को लेके सब कुछ, आई एम गोना कीप गाइडिंग ऑन यू गाइस। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।